वेलकम टू थिंक पिल। मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ। तो आज के वीडियो में हम 26 ऐसी अनुवांशिक बीमारियाँ देखेंगे जो विरासत में हमें मिलती है। फ्रेंड्स, जेनेटिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं? तो जेनेटिक डिसऑर्डर एक इनहेरिटेड मेडिकल कंडीशन है जो डीएनए में एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। फ्रेंड्स, ये एक इस तरह का डिसऑर्डर यानी इस तरह की बीमारी होती है कि हमारे अंदर जो इंडिविजुअल डीएनए होता है उसमें अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी या किसी भी तरह का प्रॉब्लम या किसी भी तरह का डिफेक्ट आ जाए तो उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। फ्रेंड्स, जो डीएनए में एबनॉर्मेलिटी होती है वो सिंगल बेस म्यूटेशन भी हो सकता है जो कि सिर्फ एक सिंगल जीन को इफेक्ट करता है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरह का जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाए, यानी कि एडिशन हो जाए जेनेटिक मटेरियल का। और दूसरे ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल का सब्ट्रैक्शन हो या फिर जेनेटिक मटेरियल की कमी हो जाए। तो किसी भी तरह के इस तरह की एबनॉर्मेलिटी को एक जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग लूजली कहते हैं। तो चलिए अब हम 26 ऐसी अनुवांशिक बीमारियाँ देखते हैं जो विरासत में हमें मिलती है। तो सबसे पहली बीमारी है एल्बिनिज्म। तो फ्रेंड्स, एल्बिनिज्म एक ग्रुप ऑफ जेनेटिक कंडीशंस होता है। इसमें जो इफेक्टेड पर्संस होते हैं इनके अंदर किसी भी तरह का कलर नहीं होता, उनके बाल, उनकी स्किन और उनके आईज में मेलानिन नाम का पिगमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से उनको सन प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है। अगली जो बीमारी है वो है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डालाइटिस। तो ये एक रेयर फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होता है जो स्पाइन के जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, साथ में लिगामेंट्स को भी इफेक्ट करता है और साथ में दूसरे जॉइंट्स को भी इफेक्ट करता है। इसका असल में तो कोई भी क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट करने से थोड़े बहुत सिम्टम्स में आराम मिल सकता है। अगली जो अनुवांशिक बीमारी है वो है एपर्ट सिंड्रोम। तो जैसे आप फोटो में देख सकते हो, ये एक तरह का रेयर कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मली शेप्ड स्कल यानी कि खोपड़ी होती है, फ्यूज्ड फिंगर्स यानी कि हाथों की उंगलियां चिपकी हुई होती है, पैरों की उंगलियां चिपकी हुई होती है, लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट से और थोड़ी बहुत सर्जिकल रिपेयर से ये कम्प्लीटली क्योरेबल है। अनुवांशिक बीमारी है एंगलमैन या एंजलमैन सिंड्रोम। तो ये एक रेयर सिंड्रोम है जिसमें फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। इसका कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर थेरेपी से इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। अगली अनुवांशिक बीमारी है चारकॉट मैरी टूथ डिजीज। तो ये एक ग्रुप ऑफ जेनेटिक कंडीशंस है जिसमें नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है और खास करके हाथ और पैर के मसल्स सबसे पहले इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे आप फोटो में देख सकते हो। लेकिन कुछ थेरेपी से इसका इलाज हो सकता है और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगली अनुवांशिक बीमारी है कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया। तो कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया खास करके हार्मोन्स को इफेक्ट करता है। ज़्यादातर लड़कियों में ये देखा जाता है। जिनको ये इफेक्ट होता है उनको कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। थोड़ी बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट से ये कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अनुवांशिक बीमारी है सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी कि CF। ये एक इस तरह का डिजीज़ है जो लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसका इलाज पॉसिबल है और ट्रीटमेंट लेने से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं और सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगली अनुवांशिक बीमारी है डाउन सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम में लर्निंग डिफ़िकल्टीज होते हैं और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। लेकिन इसके ग्रेड्स होते हैं, हर एक का जो इफेक्टिंग लेवल होता है वो अलग अलग होता है। किसी को ज़्यादा इफेक्ट करता है, किसी को कम इफेक्ट करता है।
अगली अनुवांशिक बीमारी है डुशीन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी कि डीएमडी। ये सबसे कॉमन मस्कुलर डिस्ट्रोफी देखा जाता है किड्स में। इससे क्या होता है कि मसल्स का जो फंक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, धीरे धीरे उनको थोड़ा बहुत पैरालिसिस जैसा होने लगता है, लेकिन शुरुआती तौर पे अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए जैसे कि फिजियोथेरेपी तो एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अनुवांशिक बीमारी है वो है एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम। तो एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम में जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ही लूज जॉइंट्स होते हैं जैसे आप फोटो में देख रहे हो, और उनको घड़ी घड़ी लग जाता है, घड़ी घड़ी उनको इजीली ब्रूजिंग हो जाता है, और इनकी स्किन होती है वो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेची होती है। इनके जो भी सिम्टम्स है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं लेकिन रिस्क ऑफ इंजरी बहुत हाई होता है। अगली जो अनुवांशिक बीमारी है वो है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, बिहेवियरल डिफिकल्टीज होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज भी होती है और साथ में फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और ये सबसे कॉमनेस्ट जेनेटिक कॉज ऑफ ऑटिज्म माना जाता है। अनुवांशिक बीमारी है वो है हीमोक्रोमेटोसिस। तो फ्रेंड्स, हीमोक्रोमेटोसिस में बॉडी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन एब्जॉर्प्शन कर लेता है जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज, खास करके लिवर डैमेज होता है, और इसको डायग्नोज करने के लिए सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही डायग्नोज कर सकते हैं, और जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस तरह के हाइपर पिगमेंटेड पैचेस दिखते हैं। अनुवांशिक बीमारी है वो है हीमोफीलिया। तो फ्रेंड्स, हीमोफीलिया के बारे में अक्सर आपने न्यूज़ में और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, और ब्लड क्लॉटिंग होने में बहुत प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है, यानी कि खून अगर लग जाए तो खून बहता रहता है, खून रुकने का नाम नहीं लेता। तो इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है और अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगली अनुवांशिक बीमारी है वो है हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन्स डिजीज खास करके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसके सिम्टम्स बहुत बिगड़ते जाते हैं, पेशेंट की हालत ख़राब होती जाती है। इसमें उनको बार बार ट्रेमर्स आते हैं जिसकी वजह से हाथ पाँव वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और कॉग्निटिव और इमोशनल चेंजेस भी वर्स होते जाते हैं, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। अगली जो अनुवांशिक बीमारी है वो है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। तो इसमें ज़्यादातर मेल्स यानी कि पुरुषों में ये इफ़ेक्ट ज़्यादा देखा जाता है। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं उसमें गुप्तांग काफ़ी छोटी साइज़ के होते हैं, और इनफर्टिलिटी होती है यानी कि उनको स्पर्म्स ज़ीरो होते हैं, यानी कि एजोस्पर्मिया की तकलीफ़ होती है। तो 500 में से एक पुरुष को क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है, लेकिन कई बार ये अनडायग्नोस्ड होता है। अगली अनुवांशिक बीमारी है वो है मार्फन्स सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स, जैसे आप फोटो में देख रहे हो इस कंडीशन में टिश्यूज इफेक्ट होते हैं, खास करके कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे जॉइंट्स को और मसल्स को स्टेबलाइज करते हैं। तो मार्फन्स सिंड्रोम में अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही लंबे और टॉल लिम्स यानी कि हाथ पैर बहुत लंबे और पतले होते हैं। तो ये एक तरह का रेयर कंडीशन है जो कनेक्टिव टिश्यू को इफेक्ट करता है। अनुवांशिक बीमारी है वो है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस एक कॉमन जेनेटिक कंडीशन है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन डिफर होते हैं और डिपेंड करता है इनको कितनी नर्व्स इफेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का अब तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये कंपैरेटिवली बहुत ही मैनेजेबल है, और एक कंपैरेटिवली नॉर्मल लाइफ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के पेशेंट्स जी सकते हैं। अगली जो अनुवांशिक बीमारी है वो है नूनन्स सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स, नूनन्स सिंड्रोम में जो बच्चे होते हैं उनके फेशियल फीचर्स ऑड होते हैं, उनकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होती है यानी कि स्टंटेड ग्रोथ होती है, हाइट काफ़ी कम होती है, उनको हार्ट के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई को हार्ट में डिफेक्ट होता है, हार्ट में होल होता है, लेकिन थेरेपी करने से ये कंपैरेटिवली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगली जो अनुवांशिक बीमारी है वो है
प्रेडर-विली सिंड्रोम। तो एडल्ट्स जिनमें प्रेडर-विली सिंड्रोम होता है वो अक्सर ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि उनको सोने में और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और इस सिंड्रोम में बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, एपेटाइट ऐसी होती है कि उनकी भूख ख़त्म ही नहीं होती और बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ओबेसिटी यानी मोटापन हो जाता है। मोटापे की वजह से उनको कई सारी बीमारियाँ हो जाती है जैसे कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। अगली जो अनुवांशिक बीमारी है वो है रेट्स सिंड्रोम या रेट सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम में इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबिलिटी देखी जाती है। तो ये जो सिंड्रोम है वो अभी हाल ही में डिस्कवर हुआ है, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। अगली जो अनुवांशिक बीमारी है वो है टे-सैक्स डिजीज़। तो बेबीज़ और चिल्ड्रन जिनको टे-सैक्स डिजीज़ होती है वो काफ़ी स्लोली डेवलप करते हैं, उनकी आँखों में प्रॉब्लम आता है, आँखों की दृष्टि चली जाती है, उनको बात करने में यानी कि स्पीच में भी प्रॉब्लम आता है और अक्सर ये बच्चे स्कूल एज तक सर्वाइव नहीं करते हैं और ये ज़्यादातर कुछ सर्टन जेनेटिक ग्रुप्स में देखे जाते हैं ऐसे केसेस। जो अनुवांशिक बीमारी है वो है थैलेसीमिया। इसके बारे में भी अक्सर न्यूज़पेपर में चर्चा होती है। ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हेल्दी हीमोग्लोबिन कम बनता है बॉडी में। नेचुरली जो हेल्दी हीमोग्लोबिन होता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड को ऑक्सीजन कैरी करने की, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। सीवियर केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगली जो अनुवांशिक बीमारी है वो है टूरेट सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स, इस सिंड्रोम में क्या होता है कि बहुत सारे इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव साउंड्स करते हैं पेशेंट्स और इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे मूवमेंट्स और ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता और उनको पता भी नहीं होता कि वो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं, इस तरह की मूवमेंट्स करते हैं। लेकिन इसका ट्रीटमेंट है और कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज से ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। अगली जो अनुवांशिक बीमारी है वो है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम खास करके फीमेल्स में देखा जाता है। तो इसमें सेंसरी डेवलपमेंट और हार्मोनल सिम्टम्स दिखते हैं, हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज दिखती है, लेकिन जो फीमेल्स मोस्टली जो अफेक्टेड होते हैं वो नॉर्मल इंटेलिजेंस के होते हैं और इनका लाइफ स्पैन भी नॉर्मल होता है। ज़्यादातर इससे किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, सिर्फ इनफर्टिलिटी काफ़ी हद तक देखा गया है ऐसे केसेस में। अगली अनुवांशिक बीमारी है वॉन विलिब्रेंड्स डिजीज़। तो इस कंडीशन में ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं कर सकते पेशेंट्स, क्योंकि इनका बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, या तो कम मात्रा में बनता है या फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग जब होता है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं होता। अनुवांशिक बीमारी है वो है विलियम्स सिंड्रोम। विलियम्स सिंड्रोम में डेवलपमेंट, लर्निंग और मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को विलियम्स सिंड्रोम होता है उनमें ये देखा गया है कि इनका लैंग्वेज स्किल्स बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं और इनको एक अलग तरह के म्यूजिक स्किल्स होते हैं और इनको काफ़ी म्यूजिकल झुकाव होता है। आई होप आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह के वीडियोस पोस्ट करूँ तब। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।